हाँ जी, तो आ गया जी, आखिर वही लम्हा आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। और मैं कल दोपहर 2 बजे से ब्यास के पास फंसा हुआ था। मेरी गाड़ी हो गई थी ख़राब, इंजेक्टर में से करंट नहीं आ रहा था तो उसके कारण मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फाइनली अभी मैंने जो मेरी गाड़ी में माल था वो मैंने इस गाड़ी से कल रात को बात कर ली थी और ये तड़के तड़के मेरे पास आ गया था। इसमें माल शिफ्ट करके फिर हमने वो माल मैंने इसको भेज दिया आगे, ये माल खाली करने चला गया और अभी खाली करके लगभग आया है, आधा एक घंटा हुआ। ऐसे हमने खाना पानी खाया, फिर उसके बाद खाना पानी खा के चाय पी के और अभी निकले हैं। और अभी हम जस्ट ये ब्यास पार कर रहे हैं, ये सारी ब्यास की मार्केट है नीचे पुल के नीचे, जो ब्यास का मेन पुल है उसके ऊपर है हम लोग इसमें, और पहुंच जाएंगे लगभग 2 घंटे तो मान के चलो, क्योंकि गाड़ी टो होके जा रही है इसलिए ये ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते और थोड़ा सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो चलो, अब मेरे बल्ले तो कुछ आया नहीं इस गेड़े में, चलो लेकिन इतना है कि अभी मुझे इसका ये जाने का कोई खर्चा नहीं मुझे पड़ेगा इस गाड़ी वाले के मेहरबानी से, ठीक है। और मैंने सारी बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि भाई साहब ऐसा करना, आप गेड़ा लगा लेना और आपकी इच्छा होगी तो भाई साहब वापसी में मुझे ले जाना, और नहीं तो आपको मैं फोर्स नहीं कर सकता, नहीं तो आप कम से कम मेरी गाड़ी तो खाली करवा ही दोगे, बाकी बात का बाद में देखा जाएगा। तो ये भाई साहब ने बोला कोई बात नहीं, गाड़ी वाले की परेशानी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और ये देखो ब्यास की टंकी है पानी वाली, अभी ब्यास की मेन एंट्रेंस दिखाता हूँ जो बहुत पुरानी है, बचपन में मैं आता था यहाँ ब्यास में, तब से वो एंट्रेंस मुझे याद है और ज़्यादातर इधर से ही एंट्री करते थे। अभी ये दिखाऊंगा, आगे है और लेकिन ब्यास नदी में इतना मतलब पानी नहीं दिखा मुझे, कल जब मैं आ रहा था उधर से ब्यास नदी में इतना पानी का वो फ्लो नहीं दिखा मुझे। और सतलुज में तो बोल रहे हैं कि बहुत ओवरफ्लो पानी हुआ, बहुत पानी चला उधर, लुधियाना फिलौर पानी में डूबा हुआ था, आधा आधा शहर लगभग, कि मतलब हर जगह पे नहीं, मतलब कुछ एरिए ऐसे थे जो ज़्यादा डाउन थे वहाँ पर पानी आ गया था। और ये ब्यास की मेन एंट्रेंस निकल गई है पीछे, हाँ जी ब्यास की मेन एंट्रेंस जो है वो निकल गई है, शायद वीडियो में कहीं कैप्चर भी हुआ होगा, नहीं शायद ये है, हाँ मेन एंट्रेंस ये आ गई, सॉरी गलती लग गई मुझे। तो वैसे तो मैं निकलता रहता हूँ यहाँ से, लेकिन अभी ब्यास गए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, बचपन था, बचपन में कोई ऐसा टाइम था कि कंटिन्यूसली वीरवार संडे हम ऐसे आते रहते थे। अभी ब्यास दरिया मतलब ब्यास नदी का पुल आने वाला है, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ी रखो, तोड़ी रखो, तोड़ी रखो,
तोड़ी रखो, हाँ तोड़ के रखो, तोड़ के हाँ। जे बार बार छड्डूंगे झटका मारूंगे फिर तो ये आ देखो हम ब्रेक मार ली हूँ झटका पैना ही पैना गड्डी नूं। आ लो हल्की हल्की तोरी रखो, जे ब्रेकर है गया तो ना ब्रेक वाला काम करो, हल्की हल्की वीर जी तोर के रखो कि ब्रेक तुहानूं ना मारनी पवे क्योंकि फिर गड्डी तुहाडी सैर बचेगी। इदां आ देखो या तो फिर यकदम खिंचो ना बिल्कुल, फिर पोले पोले खिंचो जब पता टैट होएगा तो वो गड्डी की अलाइनमेंट आपे बन जाएगी। दरिया वाला पुल भी सॉरी मैं हिंदी में था, सॉरी हिंदी में था मैं, क्या नाम है भाई साहब, एकदम से रेस नहीं उठानी, एकदम से रेस नहीं उठानी भाई साहब। हाँ एक बार जब सीधी हो लेगी ना लैन, ये पटा सीधा हो जाएगा तब झटका नहीं मारेगी। अरे भाई मैं हिंदी में था, हिंदी में, हाँ मैं हिंदी में था ठीक है। अभी हमने ब्यास नदी का पुल क्रॉस कर लिया है और अभी आगे आने वाला है टोल प्लाजा, जिसको हम बोलते हैं ढिलवा का टोल प्लाजा। चलो जी ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब जलंधर पहुंच जाएंगे टाइम से तो शायद ब्लॉग दोबारा से आएगा, नहीं तो ओके बाय टाटा। कोई गलती या कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, इंग्लिश भी वीक है मेरी, याद नहीं आ रहा है, मतलब कि मैं इतना मतलब हाँ मैं इतना प्रो नहीं हूँ, मैं इतना प्रो नहीं हूँ वीडियो बनाने के मामले में, तो सॉरी। एंड मेरी वीडियो जिन्होंने यहाँ तक देखी है उनके लिए दिल से धन्यवाद, और अगर मेरी वीडियो चलो अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं क्योंकि YouTube चलाने वाले बेवकूफ़ नहीं, वो स्मार्ट होते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे अपनी अगली नई वीडियो में।